हेलो फ्रेंड्स, हम लोग लास्ट लेक्चर में फेडरलिज्म में ये पढ़ रहे थे कि आखिर फेडरलिज्म प्रैक्टिकल तौर पे कैसे वर्क करता है, प्रैक्टिकल तौर पे कैसे फेडरलिज्म काम आता है, इस चीज़ को हम पढ़ रहे थे। ठीक है, फेडरलिज्म का लैंग्वेज पॉलिसी का एक पैराग्राफ हमने कंप्लीट किया, किस तरीके से हमारी कंट्री में कोई भी लैंग्वेज नेशनल लैंग्वेज नहीं है। और साथ में हमने ये देखा कि कंट्री में हमने हिंदी के अलावा 21 और जो लैंग्वेजेज हैं उनको हमने शेड्यूल लैंग्वेज का दर्जा दिया और हर एक स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज हमने अलग बनाई। ठीक है, ये हम लोग पढ़ चुके थे अभी तक, है ना। अब देखते हैं, अनलाइक श्रीलंका द लीडर्स ऑफ आवर कंट्री अडॉप्ट वेरी कॉशियस एटीट्यूड स्प्रेडिंग द यूज ऑफ हिंदी। अनलाइक श्रीलंका, तो हमारे यहाँ पर श्रीलंका की तरह नहीं था। अनलाइक श्रीलंका द लीडर्स ऑफ आवर कंट्री, हमारे कंट्री के जो लीडर्स थे, एडॉप्टेड अ वेरी कॉशियस एटीट्यूड स्प्रेडिंग द यूज ऑफ हिंदी। हिंदी के यूज कराने के या हिंदी की यूज को स्प्रेड करने में उन्होंने बड़ा कॉशियस एटीट्यूड अपनाया, मतलब बड़ा सावधानीपूर्ण तरीके से, इस तरीके से हिंदी को स्प्रेड करने का डिसीजन लिया कि कोई दिक्कत ना आने पाए। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द यूज ऑफ इंग्लिश फॉर ऑफिशियल पर्पज वॉज टू स्टॉप इन 1965। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अगर उसमें बोला गया कि द यूज ऑफ इंग्लिश फॉर ऑफिशियल पर्पज वॉज टू स्टॉप इन 1965, कि 1965 तक हम क्या करेंगे, जो ऑफिशियल यूज है इंग्लिश का वो बंद कर देंगे। अभी इंग्लिश चलने देते हैं, इसके बाद इंग्लिश का ऑफिशियल यूज हम बंद कर देंगे 1965 तक। हाउएवर मैनी नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स डिमांडेड दैट द यूज ऑफ इंग्लिश कंटिन्यू। हाउएवर मैनी नॉन हिंदी स्पीकिंग, बहुत सारे जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट थे, डिमांडेड दैट, उन्होंने डिमांड किया कि द यूज ऑफ इंग्लिश कंटिन्यू, कि इंग्लिश का यूज कंटिन्यू बना रहे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द यूज ऑफ इंग्लिश फॉर ऑफिशियल पर्पज वॉज टू स्टॉप इन 1965 तक कोशिश किया था कि इंग्लिश का यूज बंद कर दिया जाए, ये ट्राई किया, लेकिन बहुत सारे नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट थे वो क्या डिमांड कर रहे थे कि इंग्लिश का यूज खत्म ना किया जाए। इन तमिलनाडु, मतलब लोग इतना उसको लेकर के थे कि तमिलनाडु में जो कंडीशन ही होती है, तमिलनाडु दिस मूवमेंट टुक अ वायलेंट फॉर्म, मतलब हिंदी का और इंग्लिश के यूज को ख़त्म ना किया जाए इसके लिए मूवमेंट चलाया गया। मूवमेंट तमिलनाडु में कैसा हो गया, वायलेंट मूवमेंट हो गया, काफ़ी लड़ाई झगड़े वाला मूवमेंट हो गया। द सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड बाई एग्रीइंग टू कंटिन्यू द यूज ऑफ इंग्लिश अलॉन्ग विथ हिंदी फॉर ऑफिशियल पर्पज। The central government respond by agreeing to continue the use of English along with Hindi for official purpose. हमारी government ने भी श्रीलंका की तरह, हम reject नहीं हुए कि नहीं भाई शनहाला मानना ही पड़ेगा या अपने आप हिंदी मानना ही पड़ेगा, हिंदी में ही काम होगा। हमने क्या किया, central government respond by agreeing to continue the use of English. तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस चीज़ को मान लिया कि हम इंग्लिश का यूज कंटिन्यू रखेंगे अलॉन्ग विथ हिंदी फॉर ऑफिशियल पर्पज, ऑफिशियल पर्पज के साथ साथ हिंदी के साथ साथ हम इंग्लिश को भी कंटिन्यू रखेंगे, ये गवर्नमेंट ने मान लिया। मैनी क्रिटिक्स, मतलब जो क्रिटिसाइज करने वाले लोग हैं, जो जिनको लगा कि इंग्लिश का यूज करना सही नहीं है, उनका मानना था कि दिस सॉल्यूशन फेवर द इंग्लिश स्पीकिंग एलीट, एलीट मतलब जो रिच लोग हैं या जो मतलब एक क्लासी लोग हैं उनको सपोर्ट करने वाला डिसीजन लिया गया, बहुत सारे लोगों का ये मानना था। प्रमोशन ऑफ हिंदी कंटिन्यू टू बी द ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रमोशन ऑफ हिंदी और हिंदी का जो प्रमोशन है कंटिन्यू टू बी द ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये हमेशा गवर्नमेंट की ऑफिशियल पॉलिसी रहेगी कि हिंदी को हम लगातार प्रमोट करेंगे, लेकिन हिंदी अकेला ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं रहेगा, हिंदी के साथ साथ इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगा, ये डिसाइड होता है। प्रमोशन डज नॉट मीन दैट, प्रमोशन डज नॉट मीन दैट सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इम्पोज हिंदी ऑन स्टेट वेयर पीपल स्पीक अ डिफरेंट लैंग्वेज, प्रमोशन डज नॉट मीन, लेकिन प्रमोशन का मतलब ये नहीं था कि सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इम्पोज हिंदी, कि सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ पर हिंदी इम्पोज करेगी वेयर पीपल स्पीक अ डिफरेंट लैंग्वेज, जहाँ पर लोग डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं। ऐसा नहीं था कि जहाँ लोग डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं वहाँ पर हिंदी को जबरदस्त स्प्रेड किया जाएगा, ये मतलब नहीं था हिंदी का प्रमोशन का। तो दी फ्लैक्सीबिलिटी शोन बाई इंडियन पॉलिटिकल लीडर, तो हमने जो फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई, हमने हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया, हमें लगा कि इससे वायलेंस हो सकता है तो हमने अपने आप में चेंजेज किए, तो हमने जो फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा हेल्प अवर कंट्री, तो इससे हमारी कंट्री अवॉइड द काइंड ऑफ सिचुएशन दैट श्रीलंका फाइंड इट्सेल्फ इट, तो श्रीलंका जैसी कंडीशन से अपने आप को
बचा पाए। इसलिए बोला गया कि कॉन्स्टिट्यूशन में केवल प्रोविजन बनाना अकेला इनफ नहीं है, उसको प्रैक्टिकल तौर पे वहाँ के लीडर्स कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं वो बड़ा एसेंशियल काम है। ठीक है, अब अगला है सेंट्रल स्टेट रिलेशंस। रीस्ट्रक्चरिंग द सेंट्रल स्टेट रिलेशन इन वन वे इज फॉर इज वन मोर वे इन विच फेडरलिज्म हैज बीन स्ट्रेंथेड इन प्रैक्टिस। रीस्ट्रक्चरिंग द सेंट्रल स्टेट रिलेशन इज वन मोर वे, तो सेंट्रल स्टेट रिलेशन को रीस्ट्रक्चर करना, इन विच फेडरलिज्म हैज बीन स्ट्रेंथेड इन प्रैक्टिस। तो रीस्ट्रक्चरिंग द सेंट्रल स्टेट रिलेशन इज वन मोर वे इन विच फेडरलिज्म हैज बीन स्ट्रेंथेड इन प्रैक्टिस। तो सेंट्रल स्टेट रिलेशन का रीस्ट्रक्चर करना इज वन मोर वे इन विच फेडरलिज्म हैज बीन स्ट्रेंथेड, तो एक और तरीका है जिससे हम फेडरलिज्म प्रोसेस को यानी स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच पावर के शेयरिंग को और मजबूत कर सकते हैं। तो रीस्ट्रक्चरिंग द सेंट्रल स्टेट रिलेशन, सेंटर स्टेट रिलेशन को रीस्ट्रक्चर करना एक ऐसा तरीका है जिससे हम फेडरलिज्म को प्रैक्टिकल तौर पे मजबूत कर सकते हैं। हाउ द कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट फॉर शेयरिंग पावर वर्क इन रियली डिपेंड टू लार्ज एक्सटेंट ऑन हाउ द रूलिंग पार्टी एंड लीडर्स फॉलो दीज अरेंजमेंट। हाउ द कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट फॉर शेयरिंग पावर वर्क इन रियलिटी, तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट है, कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट, पावर शेयरिंग के कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट वर्क इन रियलिटी, तो रियलिटी में कितना काम कर रहे हैं, डिपेंड्स टू अ लार्ज एक्सटेंट ऑन हाउ द रूलिंग पार्टी लीडर्स फॉलो दी अरेंजमेंट। ये बहुत हद तक इस पर डिपेंड करता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट हैं उनको रूलिंग पार्टी और जो लीडर्स हैं वो कैसे फॉलो कर रहे हैं। तो जो हमारी बातें पावर शेयरिंग की हैं वो कितना सक्सेसफुल रहेंगी इस पर डिपेंड करता है कि हमारे लीडर्स उन बातों को कितना फॉलो कर रहे हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम। द सेम पार्टी रूल बोथ एट द सेंटर एंड इन मोस्ट ऑफ द स्टेट। स्टार्टिंग में क्या था, 1950 से लेकर 1980 या 1990 लगभग पूरे सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट कांग्रेस की होती थी और स्टेट लेवल पर गवर्नमेंट भी कांग्रेस की होती थी। जैसे कि अगर एक स्टेट में उसी गवर्नमेंट उसी का पीएम और सीएम, सीएम को कहीं ना कहीं पीएम की बात मानेगा, ठीक है, लेकिन अगर डिफरेंट पार्टी के लीडर्स है तो बात मानने के लिए वो बाध्य नहीं है, उसको फोर्स नहीं किया जा सकता है। तो स्टार्टिंग में यही था कि लॉन्ग टाइम द सेम पार्टी रूल्ड बोथ एट द स्टेट बोथ एट द सेंटर एंड इन द मोस्ट ऑफ द स्टेट। तो दोनों जगह स्टेट पे और सेंटर पे एक ही पार्टी का रूल था। दिस मीन दैट द स्टेट गवर्नमेंट डिड नॉट एक्सरसाइज द राइट्स एज ऑटोनॉमस फेडरल यूनिट। तो इसी वजह से जो स्टेट गवर्नमेंट थी वो एक ऑटोनॉमस फेडरल यूनिट के तौर पर काम नहीं कर पा रही थी, यानी कि ऐसी यूनिट के तौर पर काम नहीं कर पा रही थी जो कि अपने डिसीजन खुद से ले सके, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात ना माने, इस तरीके से काम नहीं कर पा रही थी। क्यों नहीं कर पा रही समझ सकते, अब जैसे कि अभी प्रेजेंट टाइम सिचुएशन आप समझोगे, यूपी में योगी आदित्यनाथ जी गवर्नमेंट है यानी कि बीजेपी की और सेंट्रल में मोदी जी यानी कि बीजेपी की, तो क्या मोदी जी योगी की जो बात बोलेंगे मानेंगे नहीं मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे। और हो सकता है बहुत सारी चीज़ें जो कि स्टेट गवर्नमेंट को डिसाइड करना होगा वो कहाँ से डिसाइड होकर आएंगी, ऊपर से डिसाइड होकर आएंगी। लेकिन इससे पहले गवर्नमेंट समाजवादी पार्टी की थी, अखिलेश यादव की, उनकी तो उनकी पार्टी डिफरेंट है, तो क्या वो मोदी जी की बात मानने के लिए बाध्य है उन सब टॉपिक पे जो कि स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी उस पे, क्या वो बाध्य है, नहीं है, ठीक है। लेकिन स्टेट स्टार्टिंग में क्या था, हर एक जगह सेम पार्टी का गवर्नमेंट था, ठीक है, स्टेट में भी सेंटर में भी, तो स्टेट गवर्नमेंट कहीं ना कहीं क्या थी, एक सबऑर्डिनेट पार्टनर के तौर पर काम कर रही थी, ठीक है, सबऑर्डिनेट थी यानी कि अंडर में काम कर रही थी। तो स्टेट दिस मीन दैट द स्टेट गवर्नमेंट डिड नॉट एक्सरसाइज द राइट, तो इसका मतलब ये था क्योंकि एक ही पार्टी का रूल था, इसका मतलब था कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपने फेडरल यूनिट्स के पावर को ऑटोनॉमसली यूज नहीं कर पा रही थी। एज एंड वेन द रूलिंग पार्टी एट द स्टेट लेवल वाज डिफरेंट, और होता क्या था, एज एंड वेन द रूलिंग पार्टी एट द स्टेट लेवल, अगर स्टेट लेवल पे पार्टी डिफरेंट होती थी, वेन द रूलिंग पार्टी एट द स्टेट लेवल वाज डिफरेंट, द पार्टी दैट रूल्ड एट द सेंटर Try to undermine the power of the state, ठीक है। अगर वहाँ पे क्या है, स्टेट में दूसरी पार्टी है, तो क्या होता था कि सेंट्रल गवर्नमेंट कोशिश करती थी कि जो स्टेट गवर्नमेंट के पावर उनको अंडरमाइन किया जाए, उनको इग्नोर किया जाए, कम किया जाए, लेस किया जाए। इन दोज डेज, उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट वुड ऑफन मिसयूज द कॉन्स्टिट्यूशन, उस समय कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविजन था उसका सेंट्रल गवर्नमेंट मिसयूज करती थी। In those days, the central government would often misuse the constitution to dismiss the state government that were controlled by rival party. तो समझ फेडरल गवर्नमेंट थी, would often misuse, अक्सर misuse करती थी कॉन्स्टिट्यूशन के उस प्रोविजन का
टू डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट दैट वॉज कंट्रोल बाई राइवल पार्टी. तो जो विरोधी पार्टी, जो ऑपोजिशनल पार्टी, उन्हें कंट्रोल करने के लिए क्या करती थी, वो जो डिसमिस करने का प्रोविजन स्टेट गवर्नमेंट का उसका यूज करती थी. दिस अंडरमाइन द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म. तो स्टार्टिंग क्या था, जो फेडरलिज्म का स्पिरिट था वो अपने आप पे काफ़ी अंडरमाइन रहा, काफ़ी इग्नोर किया गया. उतने हद तक जितने स्टेट को पावर शेयर करना चाहिए उतने नहीं किए गए. फिर धीरे धीरे चेंज आता है. ऑल दिस चेंज सिग्निफिकेंटली आफ्टर 1990 के बाद से इसमें चेंज आना स्टार्ट होता है, क्योंकि दिस पीरियड सॉ द राइज ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज इन मैनी स्टेट्स ऑफ द कंट्री. क्योंकि ऐसा समय था जिसमें बहुत सारी रीजनल पार्टी क्या होती हैं, कंट्री स्टेट्स में रीजनल पार्टी स्प्रेड होना स्टार्ट होती हैं. दिस वाज आल्सो द बिगनिंग ऑफ द एरा ऑफ कोलेशन गवर्नमेंट. और यही समय था जब कोलेशन गवर्नमेंट से सरकार बनना स्टार्ट होती है सेंटर पे. यानी कोलेशन यानी कि मिली जुली एक से ज़्यादा पार्टी सरकार बनाएंगे. देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन आप इसकी समझिएगा कि क्या कहने, जैसे कि आप समझिए कि अपने यहाँ पे क्या है 543 सीट्स होती हैं लोकसभा के लिए. अब किसी भी एक पार्टी की 272 अकेली सीट्स आ गई, उसने गवर्नमेंट बना ली. कंडीशन क्या है, प्रेजेंट टाइम के इलेक्शन को छोड़ दिया जाए तो इससे पहले एक इलेक्शन की आप बात देखेंगे तो किसी पार्टी की 272 सीट्स आई नहीं थी. मान ली उनका सीट आया 270, उसको और चाहिए होंगी 72, ठीक है ना, तभी जाके उसकी क्या होगी, गवर्नमेंट बनेगी. तो इस 72 के लिए उसको किसकी, जो छोटी छोटी स्टेट की पार्टियाँ हैं वो इनको सपोर्ट करती थी सरकार बनाने के लिए. तो अगर वो सपोर्ट कर रही हैं सेंटर में सरकार बनाने के लिए तो स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, स्टेट में उनको पावर सही से शेयर करने पड़ेंगे. अगर नहीं करेंगे तो ये क्या करेंगे, इनका सपोर्ट करना बंद कर देंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या हो जाएगी, डिजॉल्व हो जाएगी. तो यही समय था 1990 के टाइम पे. क्या होता है 1990 के टाइम पे, जो रीजनल पार्टी हैं वो स्प्रेड होने स्टार्ट होती हैं. और दिस वाज आल्सो द बिगनिंग ऑफ द एरा ऑफ कोलेशन गवर्नमेंट. ठीक है, ये टाइम था कोलेशन गवर्नमेंट के स्टार्ट होने का. सिंस नो सिंगल पार्टी गॉट अ क्लियर मेजोरिटी इन लोकसभा. और इस समय किसी भी सिंगल पार्टी को लोकसभा में क्या होता है, मेजॉरिटी नहीं मिलती है. ये कोलेशन गवर्नमेंट का जो टाइम था जब गवर्नमेंट कोई पार्टी मिलजुल के सरकार बना रही थी, तो ऐसे समय पे सिंस नो सिंगल पार्टी गॉट अ क्लियर मेजॉरिटी लोकसभा, लोकसभा में किसी पार्टी की क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिल रही थी. द मेजर नेशनल पार्टीज हैड टू एंटर इनटू एन अलायंस विद मैनी पार्टीज इंक्लूडिंग सेवरल रीजनल पार्टी टू फॉर्म गवर्नमेंट एट द सेंटर. ठीक है, तो इस समय क्या होता है, इस समय पे जो मेजर नेशनल पार्टी, जो बड़ी बड़ी नेशनल पार्टीज थी, हैड टू एंटर इंटू एन अलायंस. अलायंस किया यानी कि उनके साथ मिले, विथ मैनी पार्टीज, बहुत सारी पार्टी जिसमें कि रीजनल पार्टी यानी कि स्टेट वाली पार्टी थी, छोटी छोटी पार्टी थी, टू फॉर्म अ गवर्नमेंट एट द सेंटर. सेंटर पे गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए, सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए उन पार्टियों ने क्या किया, रीजनल पार्टियों के साथ अलायंस किया, उनके साथ मिलकर सरकार बनाई. तो दिस लीड टू अ न्यू कल्चर. तो इस यहाँ से एक नया कल्चर स्टार्ट होता है पावर शेयरिंग का, एंड रिस्पेक्ट फॉर द ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट. स्टेट गवर्नमेंट की ऑटोनॉमी यानी कि उनके जो पास जो ऑटोनॉमस राइट्स हैं, जो खुद के राइट्स हैं, उनका रिस्पेक्ट होना स्टार्ट हुआ. क्या हुआ, वही कैलकुलेशन, अगर आप रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो वो भी सेंट्रल में आपको सपोर्ट नहीं करेंगे. ठीक है, तो एक कोलेशन गवर्नमेंट का एक नया एरा स्टार्ट होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियाँ बनना स्टार्ट होती हैं और सबको कुछ कुछ सीट्स मिलती हैं. तो अब एक दो पार्टी तो बची नहीं कि एक ही पार्टी को सब सीट्स मिल जाएंगी, छोटी छोटी पार्टी बनती हैं, नए नए लीडर्स उभरते हैं और उनको कुछ इलेक्शंस में लोग सपोर्ट करते हैं और वो भी कुछ सीट्स जीतते हैं, जिससे किसी कोई भी पार्टी अकेले दम पर सरकार नहीं बना पाती है. और इस वजह से उन रीजनल पार्टीज के साथ पावर शेयर होना स्टार्ट होता है. दिस ट्रेंड वाज सपोर्टेड बाई, तो ये ट्रेंड को सपोर्ट किया गया बाई अ मेजर जजमेंट. तो ऑलरेडी इतना हुआ कि रीजनल पार्टी बनी, अब सेंट्रल गवर्नमेंट कोलेशन वाली बनने लगी, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट के साथ पावर शेयर करना स्टार्ट करना पड़ा. और साथ ही क्या होता है, एक जजमेंट आता है सुप्रीम कोर्ट का दैट मेड इट डिफिकल्ट फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट, जिससे कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए डिफिकल्ट हो गया टू डिसमिस स्टेट गवर्नमेंट इन एट्रीबेटरी मैनर. स्टेट गवर्नमेंट को एट्रीबेटरी मैनर यानी कि अनजस्ट तरीके से, गलत तरीके से डिसमिस करना अब क्या हो गया, टफ हो गया. अब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को इतने आसानी से डिसमिस नहीं कर सकती थी, एक ये प्रोविजन सुप्रीम कोर्ट बनाती है. तो दस फेडरल पावर शेयरिंग इज मोर इफेक्टिव टूडे देन इट वॉज इन द अर्ली ईयर्स आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन केम इन टू फोर्स. इस तरीके जो फेडरल पावर शेयरिंग है प्रेजेंट टाइम पे, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना उसके कंपेरिजन प्रेजेंट टाइम पे ज़्यादा इफेक्टिव हो गया कॉन्स्टिट्यूशन हमारा. ठीक है, एक बार फिर से इसको समझिएगा कि इसमें क्या बोला गया. सेंट्रल स्टेट रिलेशंस में, सेंट्रल स्टेट रिलेशन में ये बात बोली गई है कि स्टार्टिंग में क्या था कि आखिर किस हद तक पावर का शेयरिंग किया जाएगा, ये बहुत हद तक डिपेंड इस चीज़ पे करता है कि
जो पॉलिटिकल पार्टी हैं, जो रूलिंग पार्टी लीडर्स हैं, वो किस तरीके से पावर को शेयर कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग अपने यहाँ पे क्या था, स्टेट में और सेंटर पे एक ही पार्टी गवर्नमेंट थी। एक ही पार्टी गवर्नमेंट होने की वजह से क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट को उतने पावर प्रोवाइड नहीं किए जाते थे ये, और उनके साथ क्या था, और उनको जो ऑटोनॉमस राइट्स होना चाहिए थे वो नहीं मिल रहे थे। इसके न मिलने की वजह से क्या होता है, जो उनके पावर थे उनको अंडरमाइन किया गया, उनको अक्सर इग्नोर किया जा रहा था उनके पावर को, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, आगे हम उसमें देखेंगे कि जो 1990 के बाद का टाइम आता है, तो वहाँ पे उस समय बहुत सारी रीजनल पार्टी बनना स्टार्ट होती हैं। रीजनल पार्टी बनने की वजह से अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट बन रही थी उनको कोलिशन गवर्नमेंट का टाइम स्टार्ट होता है, यानी कि अब उनको क्या करना पड़ेगा, जो छोटी पार्टी उनके साथ मिले गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी। तो कंडीशंस इस टाइप की होगी, तो इस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट को ऑटोनॉमस राइट्स मिलना स्टार्ट हो गए। साथ में एक जजमेंट आता है कि अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि स्टेट गवर्नमेंट को अब सेंट्रल गवर्नमेंट अनजस्ट मैनर में डिसमिस नहीं कर सकती है, ठीक है। इसके अलावा एक क्लॉज जो और बनाया जाता है, उस क्लॉज में ये दिया हुआ था कि जो रिलेशंस थे, ठीक है ना, इन गवर्नमेंट के बीच में जो रिलेशंस थे, जो लैंग्वेज को लेकर के, ठीक है, लैंग्वेज पॉलिसी हमने पढ़ी, तो लैंग्वेज पॉलिसी को इस तरीके से बनाया गया कि 21 लैंग्वेज, हिंदी के अलावा 21 लैंग्वेज में आप और एग्जाम दे सकते हैं। हमने 1965 तक इंग्लिश को एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज यूज करना जारी रखा कि इंग्लिश को रखेंगे, लेकिन जब लगा कि कंडीशन वायोलेंस होने वाली है इंग्लिश के यूज के ख़त्म करने को, तो हमारे लीडर फ्लेक्सिबल हुए और उन्होंने इंग्लिश के यूज के साथ साथ हिंदी के यूज के साथ साथ इंग्लिश के यूज को भी कंटिन्यू रखा, और हम श्रीलंका जैसी कंडीशन को अवॉइड कर पाए, ठीक है। तो इस तरीके से जो प्रैक्टिकल फॉर्म में हमने कैसे फेडरलिज्म प्रैक्टिस को फॉलो किया, ये यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है। आगे वाले लेक्चर में हम उसके आगे पढ़ेंगे, डिसेंट्रलाइजेशन पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो हम लोग लाइव क्लास में उसको लेकर डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप लगातार पढ़ते रहिएगा, ओके, थैंक यू सो मच।